Good morning my dear students, this is me मुदिता and once again welcome back to your own channel. So students, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास 10 एंड 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 एग्जामिनेशन चल रहे हैं. अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा. क्वेश्चन आ रहा है, क्यूरी आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा. अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं टर्म 1 का, और टर्म 1 का सेपरेट रिजल्ट दिया जाएगा, टर्म 2 का सेपरेट रिजल्ट दिया जाएगा. तो ये रिजल्ट कब तक आएगा. सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है क्लास 10 एंड क्लास 12 का कि पासिंग मार्क्स कितने हैं. 10th के लिए मैंने पासिंग कैलकुलेटर बताया था, और 12th के बच्चे भी जानना चाहते हैं आखिर पासिंग मार्क्स कितने हैं. थर्ड क्वेश्चन है कि टर्म 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि नया वायरस नया वेरिएंट आ चुका है. तो बहुत सारे बच्चे फेक न्यूज़ में आ रहे हैं, बहुत मन में डाउट है आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना क्या करना है. तो एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसका अच्छे से आंसर समझ लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा. बच्चे रिजल्ट को लेके इसलिए वरी हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं हुए, आंसर की में एरर्स आ रहे हैं, और इसलिए बच्चे जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा. तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है ये जनवरी में आ जाएगा. पहले ही CBSE ने कहा था कि टर्म 1 के रिजल्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. जो भी आपके इंटरनल मार्क्स हैं, आपको पता है इंटरनल मार्क्स पहले ही CBSE ने स्कूल्स को बोल दिया था कि पहले ही आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है. ठीक है, उन्हें एक टाइम लाइन दिया था कि आपको दिसंबर के इस डेट तक अपने जितने भी इंटरनल मार्क्स हैं वो CBSE की वेबसाइट पे अपडेट करना है. इंटरनल जो क्लास 10 को 10 मार्क्स दिए जाने हैं और क्लास 12 को 15 दिए जाने हैं. सो जो भी मार्क्स हैं वो आपको अपडेट करना है. और आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, MCQ टाइप हो रहा है, OMR शीट पे हो रहे हैं. यहाँ पे चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेम डे आंसर की आ जाती है, और सेम डे ये जो इसका चेकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो जब तक आपके पेपर ख़त्म होंगे ऑलमोस्ट कॉपीज़ चेक हो जाएंगी. एक बार इन कॉपी को रीचेक करवाना है. CBSE ने कहा है आंसर की और क्वेश्चन पेपर में जो भी एरर आ रहा है उसको पहले रीचेक कराया जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं एरर्स हैं उन्हें फिक्स किया जाएगा. और ये सारा करने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और रिजल्ट डिक्लेयर भी ऑनलाइन होना है. तो आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जनवरी में आ जाएगा. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 15 जनवरी के बाद ही आएगा, 15 जनवरी से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी जितनी भी इश्यूज़ हैं वो सारे फिक्स करने पड़ेंगे. तो 15 जनवरी के बाद आप लोग मान सकते हो, बहुत डिले भी नहीं जाएगा, लेकिन 15 जैन के बाद आएगा. ठीक है, इसके आसपास आ सकता है, या थोड़ा सा अगर कोई इशू होगा तो उस टाइम CBSE अपडेट करेगा. सेकेंड क्वेश्चन है कि पासिंग मार्क्स कितना है. सो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ, 50 में से आपको 17 लाना है, 17 नंबर लाना है, 17 लाना है. सो यहाँ पे क्लास 10 को मैंने पासिंग कैलकुलेटर में अच्छे से समझाया था कि जो 50 मार्क्स है आपको एग्ज़ाम से 40 मार्क्स मिलना है. ठीक है, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ से आपको 40 में से मार्क्स मिलना है, और 10 नंबर आपका इंटरनल है, जो भी आपने असेसमेंट्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट किए हैं वो मिलने हैं. तो स्कूल से आपको जो भी 10 मार्क्स में मिलेंगे प्लस 40 में से जो आएंगे, इन दोनों को मिला के आपको 17 लाना है. 10 + 40 इनमें से मिला के, अब किसी बच्चे को 10 में से 7 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 10 में से 7 नंबर मिल जाते हैं, तो अगर उसके 40 में से 10 नंबर आ जाते हैं तो भी वो पास हो जाएगा. 17 मार्क्स चाहिए. और यही चीज़ है क्लास 12 के लिए, जो आप 50 में से देखोगे तो 50 में से आपको 17 नंबर चाहिए. लेकिन जो क्लास 12 होता है उसको प्रैक्टिकल में और जो एग्ज़ाम होता है दोनों में सेपरेट, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट पास होना होता है. लेकिन अभी हम पासिंग का कुछ इसलिए नहीं कह सकते, जो आपका रिजल्ट बनेगा वो फाइनल रिजल्ट बनेगा टर्म 2 के बाद. इसलिए अभी किसी भी बच्चे को ना तो फेल कहा जाएगा ना तो पास कहा जाएगा. ठीक है, बस मार्क्स दिखाए जाएंगे कि आपने इतना स्कोर किया है. ये किसी को नहीं कहा जाएगा कि आप पास हो या फेल हो या कंपार्टमेंट है, कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तब बनेगा जब आपका टर्म 2 होगा. टर्म 2 होने के बाद सारा इंक्लूड करके आपके मार्क्स लगाए जाएंगे. पासिंग कितना होता है वो मैंने बता दिया, 50 में से आपको 17 चाहिए, 17 चाहिए. अगर किसी बच्चे के 16.5 भी बनते हैं तो भी उसको 17 में ही डाला जाएगा. ठीक है, और ये सारा बात किया जाएगा टर्म 2 का. अब बच्चे जो रिजल्ट अभी आपका मिलेगा उसमें बस आपको मार्क्स इंडिकेट कर देगा कि ये आपके साइंस के मार्क है या आपके मैथ्स के या आपके SST के. ठीक है, ये मार्क्स बता दिए जाएंगे. इंटरनल में कितने मिले हैं आपको, एक्सटर्नल में कितने मिले हैं, इस तरीके से बस इंडिकेट कर देगा. अभी किसी बच्चे को फेल पास कुछ भी नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि ये तो 50% ही है ना. जब टर्म 2 होगा तभी बताया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए टर्म 1 में 0 नंबर भी लाता है तो भी 50% उसका टर्म 2 में वेटेज है, वहाँ से वो पास हो सकता है। तो इसलिए अभी किसी भी बच्चे को पास फेल कुछ भी नहीं बोल सकते। जब टर्म 2 हो जाएगा तब पूरा ऐड करके फिर उसके मार्क्स दिए जाते हैं और फिर रिजल्ट बनता है। और उसमें भी अगर क्लास 10 का बच्चा है और वो किसी मेन सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है जब टर्म 2 हो जाएगा, जैसे साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी, किसी मेन सब्जेक्ट में फेल भी होता है कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में, तो उसे थर्ड लैंग्वेज जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है लाइक संस्कृत, पंजाबी, उससे पास कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर क्लास 12 का बच्चा है और वो किसी अपने मेन सब्जेक्ट में, अपने किसी कोर सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे उसका एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लगवाया जाता है, कुछ और सब्जेक्ट लगवाए जाते हैं, उनसे बच्चे को पास कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ की जाएगी टर्म 2 के बाद। अभी कोई बच्चा पास फेल नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या टर्म 2 होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है ये टर्म 2 पे अटका हुआ है, तो टर्म 2 होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं होगा, होगा, और बच्चों के मन में डाउट आ रहा है क्योंकि कोविड का न्यू वेरिएंट ये आपका आ चुका है, ठीक है, ओमी वायरन जो भी है, जो वायरस न्यू आया है, तो इसके कहते में, इसके चलते में कि फिर से अगर वायरस बढ़ गया तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, पहले ही CBSE ने कहा है कि जो टर्म 2 का एग्ज़ाम हम लेंगे वो मार्च और अप्रैल में लेंगे, और डेट थोड़ी सी आगे पीछे करी जा सकती है। तो अगर आप अप्रैल को मानते हो कि अप्रैल में आपका पेपर होगा, तो अभी तो ये दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके अराउंड 3 to 4 मंथ्स है, 3 से 4 महीने हैं। उस टाइम क्या सिचुएशन होगी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको यही मान के चलना है कि एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। CBSE ने भी एग्जाम कंडक्ट कराया है तो उस टाइम भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अच्छे से पढ़ना है, और उस टाइम जब पेपर होगा, उस टाइम जो सिचुएशन होगी तभी बताया जाएगा एग्जाम होगा या नहीं होगा। और अगर बाई चांस वर्स्ट केस में एग्ज़ाम नहीं भी होता है तब CBSE ने पहले ही पूरा सर्कुलर बता दिया था कि अगर टर्म 2 में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम टर्म 1 आपका हो रहा है इसका वेटेज बढ़ा देंगे। इसका 50% वेटेज है तो इसको 60 या 70% वेटेज कर देंगे। बाकी आपने जो पीरियोडिक दिए हैं और जितने प्री बोर्ड दिए हैं प्रोजेक्ट्स करोगे। इसके अलावा अगर टर्म 2 में मान लीजिए एग्जाम नहीं भी होता तो भी वो आपसे पीरियोडिक तो कंडक्ट कराएंगे, ऑनलाइन बेसिस पे प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, असाइनमेंट करवाएंगे, और अगर एग्जाम में कोई इशू आता है तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादा करवा लेंगे, 2-2 प्रोजेक्ट करवा लेंगे हर सब्जेक्ट के, वो सारे मार्क्स भी तो ऐड होंगे, उसके बाद ही आपका नंबर दिया जाएगा। साथ में टर्म 1 में जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, लाइक टर्म 1 में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसी बेसिस पे आपको टर्म 2 में भी मार्क्स दिए जाएंगे। लाइक टर्म 1 में प्री बोर्ड में आपने जैसा स्कोर किया है वैसा ही आपको टर्म 2 में मार्क्स दिया जाएगा, और फिर दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अभी आपको टर्म 2 के लिए ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। बहुत टाइम है, 4 महीने हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, 2 साल से हमें आदत हो चुकी है। तो एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। आप लोग अभी अच्छे से पढ़ें, अपना प्रिपेयर करें टर्म 2 का। अगर कोई भी इशू होता है तो अभी बहुत टाइम है, आपको अभी से ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ाई बंद करके बैठ जाऊँ, एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, और फिर पता चले एग्ज़ाम हो गया, फिर आप बोलो कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपकी जो जितने भी डाउट्स थे, क्यूरीज थी, वो अब क्लियर हो गई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।